हल्दी का तिलक लगाने से होते हैं विभिन्न प्रकार के लाभ। हर कार्यों में मिलती है सफलता, पापों से मिलता है छुटकारा। हिंदू सनातन धर्म में हल्दी को शुभ एवं पवित्र माना जाता है क्योंकि हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु को हल्दी अधिक प्रिय है। सनातन धर्म में हल्दी का तिलक लगाना प्राचीन काल से माथे पर लगाना चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी का तिलक गले और माथे पर लगाने के कितने फायदे हैं? तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से कि धार्मिक मत क्या कहता है। सामान्यतः हम कुमकुम का, रोली का या चंदन का तिलक लगाते हैं। विशेष रूप से भस्म का त्रिपुंड भी लगाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में हरिद्रा या हल्दी का तिलक लगाने का भी विधान है। आपने देखा होगा विवाह जैसे शुभ कार्य में हल्दी का टीका लगा करके सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। जो अतिथि आते हैं, जो बाराती आते हैं, जो घर के लोग रहते हैं, उन सभी को हल्दी का यह मांगलिक टीका लगाया जाता है। तो हल्दी का टीका लगाना मांगलिक तिलक के रूप में हमारे शास्त्रों में, हमारे कार्यों में और हमारे सनातन धर्म में मान्यता को प्राप्त है। हल्दी का टीका लगाने से बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे शुभ योग होते हैं। हल्दी का टीका लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हल्दी का टीका लगाने से शत्रु नाश होते हैं। हल्दी का टीका लगाने से ईश्वर की वृद्धि होती है। हल्दी का टीका लगाने से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। और हल्दी का टीका लगाने से यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न हैं, तो विघ्न भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी जो है वह भगवान लक्ष्मी नारायण को अति प्रिय है, हल्दी जो है भगवान गणेश जी को भी प्रिय है। हरिद्रा गणेश आपने शब्द सुना होगा, हल्दी के भी गणेश जी बनाए जाते हैं, क्योंकि गणेश जी को हल्दी अति प्रिय है। उसी प्रकार भगवती को भी हल्दी अति प्रिय है। इसलिए हल्दी का टीका लगाने से हमारे जीवन में शुभ और मंगल होता है। अब हम उसको वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक पक्ष से भी यदि देखते हैं तो हल्दी को एंटीबायोटिक माना जाता है, अर्थात वह हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हल्दी का भी हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के आंतरिक क्षेत्र में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और हल्दी को हम चंदन के रूप में लगाते हैं, लेप के रूप में लगाते हैं, तो हमारे चेहरे पे कांति बढ़ती है, हमारा चेहरा जो है वह कांतिवान होता है, चर्म रोग समाप्त होते हैं और मस्तिष्क और मन में शांति की प्राप्ति होती है। हमारे मन मस्तिष्क में जो तनाव रहता है वह तनाव भी दूर होता है। इसलिए हल्दी का भी हम टीका लगा सकते हैं या हमको हल्दी का भी टीका लगाना चाहिए। एक शास्त्रों में एक श्लोक आया है हमारे पुराणों में, केशवानंद गोविंद बारह पुरुषोत्तमम पुण्यम यशस्य आयुष्यम तिलकम में प्रसिद्धतु कांति लक्ष्मी दति सोक्षम सौभाग्यम अतुलम बलम सदा तु हरिद्रा नित्यम सततम धारयाम्यहम। अर्थात सौभाग्य बढ़ाती है, संतान बढ़ाती है, आयु बढ़ाती है, आयुष्य बढ़ाती है, ऐश्वर्य बढ़ाती है, नाना प्रकार की सुख शांति समृद्धि हमको हल्दी के द्वारा प्राप्त होती है।